मोनिशा नो लेकिन मम्मी जी नो नो एक्सप्लेनेशंस तुमने गलती की है नाउ एक्सेप्ट इट मैं दो दिन घर से बाहर क्या रही तुमने तो मम्मी जी मैं रोशेश भैया को सिर्फ अपनी पम्मी आंटी की बेटी के हल्दी सेरेमनी में लेके गई थी इसमें इतना क्या है गाड़ी खराब थी इसलिए तुम उसे लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बिठाकर पंजाबी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ले गई जहाँ सब लोग खुले आम में अपने पेटीकोट सुखाते हैं तो मेरे साथ और कोई कंपनी नहीं थी कंपनी नहीं थी तो साहिल को ले जाना चाहिए था मैं जब भी उससे कहती हूँ कि साहिल मेरे साथ लेडीज फंक्शन में चलो तो वो मुझे ब्लैकमेल करता है कहता है कि मोनिशा पहले घर साफ करो फिर आऊंगा अब मेरे महीने में ऐसे 6-7 फंक्शन तो आते ही हैं तो क्या मैं 6-7 बार घर साफ करती बैठूंगी नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तुम्हारी तो हॉबी है धूल मिट्टी इकट्ठा करके रखने की इनफैक्ट डेट वाइज सजा के रखती हो तुम वो देखो वो है ना वो फरवरी 1997 की धूल और वहाँ नवंबर 2002 की मिट्टी एंड सो ऑन बट द पॉइंट इज मोनिशा कि तुमने रोशेश को वहां ले जाकर के बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें पता है रोशेश को वहां कितना कितना मजा आया पता है मम्मी जी रोशेश भैया ने तो मेरी कजिन गुड्डी के साथ बहुत डांस भी किया गुड़ी नाल इश्क मिठा होए होए हो गुड़ी नाल इश्क सी एंड टू टॉप इट ऑल रोशेश को वो गुड्डी अच्छी भी लगी हैं हाँ कह रहा था बड़ी क्यूट है हाँ वैसे है तो बड़ी क्यूट सी वो कमीनी गोलमोल सी रोली पोली ढोल जैसी अंगूठा चूसती थी ना इसलिए तीसरा दांत बाहर निकल आया तोतली का You mean इस तरह की क्यूट हाँ एंड रोशेश को वो पसंद आई मम्मी जी मुझे लगता है रोशेश भैया को गुड्डी का टैलेंट पसंद आया होगा टैलेंट हाँ हमारी गुड्डी है ना वो ऐसे लड्डू को सीधे हवा में उछालती है और फिर डायरेक्टली मुंह में पकड़ती है एक के बाद एक पूरे 10 लड्डू अरे हाँ रोशेश भैया ने ये देखकर वो पे कहा था और फिर उन्होंने भी ट्राई किया था That does it. इससे पहले कि रोशेश तुम्हारी ऐसी कोई क्यूट और टैलेंटेड कजिन को बहू बना के हमारे घर में ले आए उसकी शादी कर देनी चाहिए इमीडिएटली साहिल भाई मामा फिर से मेरे लिए लड़की पसंद करने निकल पड़ी है रिंकी रिंकी वो मिसेस सोमपुरा की बेटी जब वो आती है तो ऐसा लगता है एम्बुलेंस आ रही है ऐसा क्यों लगता है क्योंकि वो हंसती हुई आती है ना सायरन की तरह और लोग भी तुरंत साइड देते हैं कहते अरे रिंकी को जाने दो रिंकी को जाने दो मुझे उससे शादी नहीं करनी है साहिल भाई हाय साहिल ओहो ये क्यों आ गए यहाँ माया दिखती नहीं कहाँ है मॉम बाहर गई है लेकिन कमाल है मुझे यहाँ बुलाकर खुद चली गई वो रोशेश के लिए लड़की ढूंढने निकल पड़ी है वो रोशेश के लिए पंछी लाने गई कौन सा पंछी मैं इनको मारूं नहीं मैंने कहा वो रोशेश के लिए लड़की ढूंढने निकल पड़ी है लड़की समझे आप लड़की तो देखो ना आप ग्राफिक डिटेल्स क्या दिखा रहे हैं आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम देखो माया आएगी ना तो उसे ये लिस्ट दे देना मैरिज ब्यूरो का लिस्ट है वो रोशेश के लिए लड़की पसंद करना चाहती है ओके गॉट इट तो मैं चलूं सिर्फ इशारा करके हाँ कहना है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा था बैठू बैठता हूँ मैरिटल मैरिज ब्यूरो मुझे नहीं करनी ऐसी ब्यूरो से सेलेक्ट की हुई लड़की से शादी साहिल भाई मुझे लव मैरिज करना है बहुत अच्छी बात है रोशेश लेकिन लव मैरिज करने के लिए सबसे पहले तुझे लव करना पड़ेगा तुझसे लव कौन करेगा वही तो सारा टाइम तो एसी चालू करके नहीं बैठ सकते ना साहिल घर में घास लेट है डैड मेरा कुछ कीजिए ना हाँ हाँ तुझ पे भी थोड़ा छिड़कूंगा फिकर मत कर वो भी चलेगा मैं जल करके मर जाना पसंद करूंगा लेकिन किसी अनजान लड़की से शादी रोशेश इनफ अगर तुझे इतनी पड़ी है शादी की तो अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ ना तू हाँ लूज कॉटन शर्ट पहनने से पसीना भी नहीं होगा साहिल भाई मैंने लड़की पसंद कर ली है क्या तूने लड़की पसंद कर ली कितने में पढ़ी लूंगी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड है वो मलबार हिल में सी फेसिंग बंगलो है उसका अच्छा उसकी माँ कंवारी है
डैड, उसी ने कहा ना कि मलबारी पे सी फेसिंग बंगलो है उसका। डैड, उसकी कोई बहन है? बाय बाय। ऑलराइट, नाम क्या उसका? यू यू। चेक्स वाली है या प्लेन? मामा आप कहीं जा रही हैं? हाँ, ये मैंने जिंजर पुडिंग बनाया था साहिल के लिए, उसे देने जा रही हूँ। ये तुम्हारी फ्रेंड है? या यू यू, यू यू माय मामा, मामा यू यू। राधिक भैया, ये लीजिए लड्डू, गुड्डी ने भिजवाए हैं ऐसे उछाल के खाने की प्रैक्टिस करने के लिए। गुड्डी ने भेजे? यू यू इज वेरी प्रिटी, नहीं? थैंक यू आंटी। ये आपके लिए कार्नेशंस और अदर सॉर्टेड फ्लावर्स। आपको रोज़ से एलर्जी है ना? हाउ थॉटफुल ऑफ यू। और इसका प्लास्टिक भी कितना अच्छा है, इसकी कितनी अच्छी थैली बनेगी ना ऐसे नीचे से स्टेपलर मार के। ये मोनिशा है, ये सामने रहती है। आओ ना, आओ, चलो 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 साथ साथ चलो चलो। लवली, आई लव हिज पोएम। अच्छा मुझे बताओ तो सही, तुम दोनों मिले कैसे? वेल, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी आंटी, बहुत लंबी कहानी है। सो आई एम ऑल इयर्स, बताओ ना। वेल, मैं हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सीडलेस वाटरमेलन की रिसर्च में सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही थी पूना के औरबिंदो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्म में। वहां पर मैं मस्क मेलन पोलन से वाटरमेलन सीड्स को फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रोफेसर सरस्वती एज एन टी एच आई की नजर पड़ी मस्क मेलन पर रेंगती हुई ब्लू बॉटल फ्लाई पर। वो ब्लू बॉटल फ्लाई जो अपने यूजुअल साइज से अप्रोक्सीमेटली 0.08% छोटी थी, लेकिन उसकी बजिंग कैपेसिटी 29% फास्टर थी। तभी प्रोफेसर सरस्वती विदाउट डी एच वहां आई। उन्होंने प्रोफेसर सरस्वती विद डी एच से कहा, बैम्बूज के क्लोरोफिल में कैंसर फाइटिंग एंजाइम्स होते हैं। इस बात को सुनकर प्रोफेसर सरस्वती विद डी एच ने प्रोफेसर सरस्वती विदाउट डी एच से कहा, रिमार्केबल प्रोफेसर सरस्वती, और एग्जैक्टली इसी वक्त पर रोशेश आ गया। नहीं नहीं, मैं तो शाम को पहुंचा था मामा। तब आपकी कहानी में कितने बजे थे? तब एज इन जब सरस्वती विद डी एच ने सरस्वती विदाउट डी एच से कहा रिमार्केबल प्रोफेसर सरस्वती। ओह, तब तो दोपहर के 2 बज रहे थे। हाय ला, मतलब ये तो बहुत लंबी कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर इवेंचुअली दोनों में प्यार हो गया, राइट? वेल, यस मामा, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वेल वेल, बात इतनी सीरियस हो गई है तो फिर मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहूंगी। आंटी, मेरे पापा तो 10 साल पहले ही घर छोड़कर चले गए। अरे रे, क्यों? वो एक्चुअली एक बहुत लंबी कहानी है, वहां पे वी अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तो फिर हम तुम्हारी मम्मी से ही मिल लेंगे। Sarabhai, this is Sarabhai.